मैडम, आज हम आप हम लोग आर्टिकल द के बारे में जानेंगे। द माने वह। इस संसार में जितनी वस्तुएं निश्चित हैं अथवा जिसे निश्चित करना है, उन सब के पहले आर्टिकल द रखती है। साफ साफ बात है। इसके अलावा इसका कोई कंसेप्ट नहीं। द माने वह। तो अब आइए देखिए, एक एक चीज हम आपको बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और तर्क भी देंगे कि ये कारण है। आइए बेटा, देखिए बेटा, द का प्रयोग, द माने वह, इसके बारे में पढ़े जाए बेटा। प्रसिद्ध इमारतों के नामों के पहले बताइए, लिखा है वी सा द ताज एंड द रेड फोर्ट। बताइए पूरे संसार में ताज 10-20 तो है, 8 है, 8 है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल द लगेगी। रेड फोर्ट 10-20 तो है, 8 है, 8 है तो निश्चित है तो आर्टिकल द लगेगी। सही है। दिशाओं के नामों के पहले, दिशाएं पहले से ही निश्चित हैं बेटा, सबको मालूम है। जब निश्चित हैं तो दिशाओं के नामों के पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा? सिखा बेटा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट दिशा का नाम है। दिशाएं क्या हैं? निश्चित हैं। ना आबा लंठ ना बनो, जो समझा रहे हैं उसको समझो। यानी कि छोटा से छोटा बच्चा अमेरिका का, रूस का, चाहे जहाँ को, वह दिशाओं के बारे में जानता है। तो दिशाएं निश्चित हैं, निश्चित हैं तो आर्टिकल क्या लगाओगे? ठीक है। नदियों के नामों के पहले, अच्छा बताओ बेटा, पूरे संसार में गंगा 10-20 है कि 8 है? 8 है ना। तो जब एक है तो, एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल का मेन कंसेप्ट है, जो चीज निश्चित होगी उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। तो गंगा 10-20 है, 8 है, 8 है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। पर्वतों के नामों के पहले, संसार के जितने पर्वत हैं उनका अगर नाम होगा तो उनके पहले भी आर्टिकल द लगेगी। अब बताइए, आप तर्क दीजिए कि हिमालय 10-20 है कि 8 है? 8 है, 8 है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल क्या लगाओगे? द लगाओगे। आई बात सुनो। जैसे बेटा किताबों के नामों के पहले, जैसे कहा प्रसिद्ध किताबें जो होंगी उनके नामों के पहले आर्टिकल द लगती है। आई लाइक टू रीड द रामचरितमानस। रामचरितमानस किताब है, फेमस है, इसके पहले क्या लगाओगे? द। अब आप कहोगे 10-20 की, अरे वो सब फोटो कापी, ओरिजिनल तो एक है ना। तो प्रसिद्ध किताबों के नामों के पहले भी आर्टिकल क्या लगती है बेटा? द लगती है। ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश। अच्छा बताओ, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इनके पहले आर्टिकल द लगती है। क्यों लगती है? एक एक ठो है तो बताइए, नेपच्यून के पहले लगेगा कि नहीं? जुपिटर के पहले द लगेगा कि नहीं? लगेगा। यानी कि इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं, बताइए सूर्य 10-20 है कि 8 है? 8 है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। तो वाक्य बेटा, द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई। मून माने चंद्रमा, 10-20 है कि 8 है? 1 है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल क्या लगेगी? द लगेगी। स्काई 1 है, क्या लगेगा? द लगेगा। आगे सुनो, सरकारी एजेंसियों के नामों के पहले, सरकारी एजेंसियां निश्चित होती हैं बेटा। जैसे कानपुर का फंड ऑफिस होगा तो एक ही फंड ऑफिस होगा कि 10-20 होगा? 8 होगा। इसके वाक्य बना रहा, ही हैज गॉन टू फंड ऑफिस। द फंड ऑफिस 10-20 नहीं होता, एक है, एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो आर्टिकल क्या लगाओगे? द। सिखा बेटा, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जो प्रांतों के नाम पड़ते हैं, देशों के जो नाम पड़ते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द लगती है। पंजाब के, द पंजाब इज ए रिच स्टेट, तो पंजाब के पहले द क्यों आया इसको जानो बेटा। भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर पंजाब को पंजाब कहा जाता है। जिस क्षेत्र में 5 नदियां बहती हों, दैट इज कॉल्ड पंजाब। अभी तुम्हारे मोहल्ले में 5 नदियां बहने लगे हैं तो उसको पंजाब कहा जाएगा बेटा। तो भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर जिन प्रांतों अथवा देशों के नाम हैं उनके पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री,
सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सिखा रवि इज द वाइजेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, रवि कक्षा का सबसे बुद्धिमान लड़का है। तो सबसे बुद्धिमान हो गया तो निश्चित हो गया, निश्चित हो गया तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, द लगाओगे। बात समझ रहे हो? तो हमने आप अभी आपको बताया कि द माने वह, इस संसार में जितनी चीजें निश्चित हैं, निश्चित कौन से हो, जो एक एक होंगी वही निश्चित होंगी, उनके पहले आर्टिकल क्या लगाओगे, द लगाओगे। साफ साफ बात, ठीक है। थैंक यू बेटा।